क्यों नहीं समझ रहे हो वहां से? ये क्या क्या स्पून फीडिंग चाहिए क्या तुझे? है क्या फिर से 5 लाख रैंक लेके आएगा क्या, जैसे पहले लेके आया था? सुधार नहीं करोगे क्या अपने अंदर? है पहली बात तो डीपीपी के सवाल वैसी का लेवल इस टाइम काफी लो चल रहा है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात उसके सॉल्यूशन से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर पेन टेप से सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं, मुझे ऐसा बोला गया वहां पर। अब उस तो वो भी समझ में नहीं आ रहा है, हद है यार। डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं वो सवाल कर रहा हूं कि एक्स से डिफरेंशिएट कर दे वेलोसिटी आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट कर दे एक्सलेशन आ जाएगा। अबे खुद भी तो कुछ करो है। अगर कोई सवाल सच में ऐसा टफ आता है, जो सच में टफ है, तो आप मुझे बताओ। जैसे मैंने DPP 2 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया था, ठीक है, मुझे कल इतना गुस्सा आया। कल एक बच्चे ने कमेंट में कर रखा था, सर DPP का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बता दो। वो सामने होता ना, उसके गाल पे थप्पड़ मारता खींच के। मैं ऑफलाइन क्लास में होता था वो, मन का 11 में से 11 के 11 सॉल्यूशन तुझे प्रोवाइड कराए गए हैं, उसके बाद भी तुझे 7 सवाल ऐसे हैं जिनका तुझे सॉल्यूशन ही समझ में नहीं आ रहा है। तो तू यहां क्या कर रहा है? प्लीज लीव दिस लाइन, आप इस लाइन को छोड़ दो, आप नहीं टिक पाओगे आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक, EMI AC तक, रोटेशन तक नहीं जा पाओगे आप। छोड़ दो अभी लाइन, बेटर है कोई दूसरा काम कर ले, क्योंकि इस हरकत के साथ चलेगा तो 6 या 7 लाख रैंक लेके आएगा, उससे बेटर है अभी चला जा कॉलेज में। कड़वी बात, सच्ची बात, उससे बेटर अभी चला जा कॉलेज में। अभी भी तेरी 6-7 लाख रैंक आई होगी, और जिस तरह की तेरी हालत है उसमें भी तेरी वही रैंक आएगी, तो बेटर है अपना 1 साल बचा ले जिंदगी का, नालायक कहीं का। चलो सवाल करो, मूड खराब कर देते हो अच्छा खासा।